देख रहे हैं सच दर्शन। यह दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली का थाना बिंदापुर इलाके का आर्य समाज रोड, जो आए दिन वारदातों के चलते सुर्खियों में रहता है। ये इलाके की मेन और सबसे बड़ी मार्केट है, जहाँ रोजाना हजारों लोग खरीदारी करने आते हैं। ऐसे ही सोमवार देर शाम लगभग 9 बजे के करीब पास में रहने वाले बिजनेसमैन परिवार की महिला आरती अपनी ननद के साथ 2 साल के बच्चे के कपड़े लेने एक दुकान में पहुँचती है, जहाँ वो अपना बैग दुकान के काउंटर पर रख देती है, जिसमें लगभग 15,000 रुपए कैश, एक सोने की अंगूठी और मोबाइल फोन समेत कुछ कपड़े थे। वहीं दुकान में एक सभ्य परिवार की दिखने वाली लगभग 45 साल की महिला भी कपड़े खरीदने आती है और कुछ ही मिनटों में काउंटर पर रखे बैग पर बड़े ही सफाई से हाथ साफ करके फरार हो जाती है। पर इस चोर महिला की सारी हरकतें दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो जाती है। हालांकि दुकान में सामान खरीदने आई आरती को जब अपने सामान की चोरी का पता चला तो आरती ने तुरंत पुलिस और PCR को घटना की जानकारी दी। पर हमेशा की तरह लेट लतीफ पहुंचने वाली दिल्ली पुलिस इस बार भी लगभग 1.5 घंटे बाद मौकाए वारदात पर पहुंची, जिसके चलते आरती और उसकी ननद को 2 साल के बच्चे के साथ लगभग रात 12 बजे तक रोड पर पुलिस का इंतजार करना पड़ा। मैं और मेरी ननद अपने बच्चे के कपड़े देखने आए थे और क्या कहते हैं, मैंने इसके कपड़े में लगा के देख ही रही थी, उतने मैंने ये थैला रखा, उसको वो औरत हमें नोटिस कर रही थी। अब मुझे नहीं पता था कि वो लोग यूँ बोल रहे थे, मुझे कृष्ण जी के कपड़े चाहिए मूर्तियों के लिए, तो उन्होंने बोला यहाँ से नहीं मिलेगी, आप नाप लेके आ जाओ बच्चों तो मूर्ति की, तब हम दे देंगे। बस उसने उतने में वो थैला उठाया और चली गई। उसके बाद मैंने 100 नंबर पे कॉल की, मैंने बोला कि मेरा फोन ऐसे करके पर्स लेगी, पर्स के अंदर फोन भी है और अभी उसमें बेल जा रही है और आप ना उसको ट्रेसिंग कर दो। तो पुलिस ने बोला कि अभी हम नहीं कर सकते, आप FIR करवाओ है। तो मैंने बोला अच्छा आप इस साइड आ जाओ, मैंने उनको जगह बताई कि गोरवर स्वीट्स के सामने रामा ट्रेडर से इस शॉप में हुआ है। तो वो कहते हैं कि आ रहे हैं, मैंने कम से कम 4-5 बारी कॉल की ये बोलते हुए कि मेरे पास छोटा बच्चा है, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। हार के मैंने जब बोला ना कि यहाँ पे मारधाड़ होगी, जब जाके पुलिस आई है। ये 9:30 की CCTV लगा, अभी तक कोई सुनवाई नहीं, अभी भी यहीं खड़ी है पुलिस भी, कोई सुन ही नहीं रहा। कह रहे हो वृंदावन थाने पे जाओ, रात की 11-12 बज गए, छोटा बच्चा मेरे पास है और मेरे थाने से आएंगे तो जब जाके FIR होगी, जब कुछ करेंगे। इन सब के बावजूद भी जब पुलिसकर्मी मौके पर लगभग 1.5 घंटे बाद पहुंचे तो लगभग 2 घंटे बाद बिंदापुर थाना पुलिसकर्मी भी मौके वारदात पर पहुंचे और पहुंचते ही वहां घटना को कवर कर रहे मीडिया कर्मी के कैमरे पर हाथ मारते हुए कैमरे को बंद करवाने लगे और मीडिया कर्मी के साथ उलझ पड़े। बात कर लें क्या? कर लीजिए कर लीजिए। सब दिखाएंगे? नहीं नहीं हाथ नहीं नहीं हाथ कैसे लगा रहे हैं? हाथ में आई कार्ड दिखा। हाँ क्या नाम है? आप इस बात को वो कैमरा बताएगा ना, कैमरा ऑन था, वो सारा कुछ बताएगा ना। बात क्या इनसे ही होने दे, आई कार्ड मांग लिया, आई कार्ड दिखाई। अब बता क्या बात, तेरा कैमरा बात है, बता तो कैसे कर दिया, सब दे रहे सब दे रहे। अरे बात कर, बात कर रहे हैं, डिस्टर्ब है पीछे पीछे ना, हम ऑन ड्यूटी है, हम फ्रॉड नहीं है, इनका आप फ्रॉड नहीं है, हम फ्रॉड है ना, तो आईडेंटिटी प्रूफ क्यों दे रहे हैं भाई? सब दे रहे हैं, सब देंगे, थाने चलेंगे आपके साथ, आपके साथ थाने चलेंगे। हेलो आईडी प्रूफ दो अपनी, आप कौन सी मीडिया से क्या है? हां जी भाई साहब। लेकिन हद तो तब हो गई जब पुलिस वाले की शिकायत इलाके के DCP संजीव कुमार साहब से की गई तो उल्टा DCP साहब मीडिया कर्मी पर ही भड़क गए और ना जाने फोन पर मीडिया कर्मी को ही क्या क्या कह डाला। देखिए ऐसा कांस्टेबल से तो बात करूंगा मैं जी, आप सोच रहे हैं कि मैं सोकर उठ के मैं आपका कवरेज करूं, दैट इज वेरी बैड। आई कैन टॉक टू SHO, बट ये जो आप लोग ये जो करते हो ना 11 बजे रात को फोन करना, जी जी, आप करो या ना करो, जी जी, ठीक है ना जी, ये काम मेरा नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल। आप दिल्ली में, दिल्ली है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे मेरे को फोन करके जी तो मेरी नींद आराम करोगे आप, बिल्कुल। और इस तरह से कांस्टेबल कांस्टेबल की जिम्मेदारी इस तरह हद हो गई यार, हद हो गई। वही वारदात के बाद दो महिलाएं रात 12 बजे तक पुलिस के आने का इंतजार रोड पर करती रही। ऐसे में एक DCP द्वारा फोन पर ऐसे बयान दिया जाना ये जरूर साबित करता है कि दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए कितनी सजग है। क्षेत्र के DCP की इस तरह की बातों से साफ अफसरशाही झलकती दिखी। रात को महज 11 बजे ही DCP साहब को फोन सुनना भी नागवार गुजरता है। फिलहाल देर रात लगभग 12 बजे मुकाए वारदात पर पहुंची दिल्ली पुलिस ने महिलाओं के बयान लिए और उन्हें घर भेजा, साथ ही मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। पर इस घटना से साफ जाहिर है कि दिल्ली पुलिस लाख दावे करे महिलाओं की सुरक्षा के लिए,
पर जहां वारदात के लगभग दो घंटे तक दो महिलाएं सड़क पर ही रात 12 बजे तक पुलिस के आने का इंतजार कर रही थी। वहां आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सुरक्षित होगी दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में महिलाएं। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, सच दर्शन।